सेल की सभी पदाधिकारियों और गोपाल रावत अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर्वतीय सेल द्वारा मयूर विहार फेज वन में बाढ़ पीड़ितों को राशन वितरण किया। इसी विषय पर हमारे सहयोगी ने गोपाल रावत से कुछ खास बातचीत की, आइए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में बाढ़ पीड़ितों को सेवा देने के लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग यहाँ मौजूद है, लोग सेवा दे रहे हैं, लोगों को भोजन यहाँ पे कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं हमारे साथ, गोपाल रावत जी हैं और पर्वती सेल के अध्यक्ष हैं। क्या कहना चाहेंगे सर बाढ़ पीड़ितों के लिए सेवा? कांग्रेस पार्टी जब से बाढ़ यहाँ स्टार्ट हुई है तब से रेगुलर हर जगह पर कई हमारे 10-12 पॉइंट है वहाँ पर हम सेवाएं अपनी दे रहे हैं। और इसके अलावा चिकित्सा और भोजन के अलावा चिकित्सा इत्यादि भी हम मुहैया करा रहे हैं। और बात किया जाए अगर केजरीवाल की सरकार है यहाँ पे तमाम सुविधाएं वो भी दावा कर रही है हम दे रहे हैं, अब वो तो सत्ता में है जी, अब उनको कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारा जो फर्ज है उसको हम निभा रहे हैं। अब कितने दिनों से इस कार्य कर रहे हैं और लगातार कितने लोगों को डेली आप? जब से बाढ़ स्टार्ट हुई और पहले दिन से ही हमारे जितने भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रभारी, हमारे जिला अध्यक्ष, मेरे साथ हमारे जिला अध्यक्ष साहब हैं, तो हम सभी लोग सारे कार्यकर्ता ब्लॉक अध्यक्ष वगैरह सभी लगे हैं और पूरा तन मन से लगे हैं। जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। और बाढ़ पीड़ितों को आप भोजन दे रहे हैं यहाँ पे? ये हमारा जो कैंप है लगातार 14 तारीख से चल रहा है और आज 29 तारीख हो गई है। बाढ़ पीड़ित जो हमारे जिन लोगों को नुकसान है उनकी सेवा कांग्रेस पार्टी यहाँ पे इस कैंप लगा के कर रही है। हर एक कैंप हमारा पीछे डीएनडी में भी लगा हुआ था, ये कैंप यहाँ पे पटपड़ा जिला कांग्रेस कमेटी और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष अनिल चौधरी जी की देख रेख में ये चल रहा है। और इस कैंप को लगातार आज 15-16 दिन हो रहे हैं, हमारे साथी बदल बदल के दोनों टाइम अच्छा भोजन जो जिससे बन रहा है इन बाढ़ पीड़ितों के लिए हम लोग कर रहे हैं, कभी चाय का कभी खाने का जैसे ही बनता है। और सारे लोग हमारे जिले के मिलके पटपड़ की विधानसभा के खास तौर पे जो हमारे साथी हैं वो सब लोग अपनी नेक कमाई में से इस कैंप को और इस राहत शिविर कैंप को चला रहे हैं। मैं तमाम साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ और खास तौर पे अपने प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी का, जिन्होंने यहाँ पे इस तरीके की व्यवस्था की हुई है कि रोज दो टाइम हम लोग भोजन लोगों को दे सकें। ये हमारा बात किया जाए बाढ़ पीड़ित को लेकर लगातार दिल्ली में राजनीति बढ़ती गई है, वही आम आदमी पार्टी हो बीजेपी हो राजनीति करती नजर आ रही है, लेकिन आपको क्या लगता है उनके द्वारा जो सेवा आप लोग कर रहे हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि राजनीति बहुत कर रही है? आप देख सकते हैं कि सिर्फ दिल्ली सरकार ने जो लोग बाढ़ पीड़ित हमारे नीचे जो लोग रह रहे थे उनको सुविधा देने के नाम पे ये टेंट लगाए हैं। जब 2014 से पहले 13 से पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, दिल्ली की सरकार थी, उस टाइम पे बाढ़ें आई थी, उस टाइम पे हमारे मंत्री मुख्यमंत्री और दिल्ली के हमारे तमाम बड़े नेता थे, तमाम राहत पीड़ितों के बीच में रहते थे, उनके लिए अच्छी से अच्छी सुविधा मुहैया कराते थे। परंतु आज सिर्फ केजरीवाल जो सरकार है सिर्फ दिखावा कर रही है और उसके बाद कुछ नहीं कर रही। मुख्यमंत्री आज तक नहीं निकला कहीं, ना कहीं घुमाने के गया है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे मंत्री जो रहे हैं यहाँ से चुनाव लड़े हैं, लवली जी हमारे प्रभारी जी सब लोग जनता के बीच में बाढ़ पीड़ित लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। और अब हम लोग इस सरकार से हमने मांग भी की हुई है कि जितने भी ये लोग हैं इनको ज्यादा से ज्यादा उचित मुआवजा स्टार्टिंग में दिया जाए जिससे ये लोग अपना कार्य शुरू कर सके। क्योंकि सभी लोग वो लोग हैं जो रोज रोटी कमाते हैं, रोज रोजी कमाते हैं, कोई फल बेचता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई अंदर सब्जी लगाता है, कोई दूध निकालता है, इस तरीके के किसान भाई हमारे यहाँ पे लोग रहते थे, परंतु इन सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं लिया। हरपाल रावत भी हमारे साथ हैं, सर क्या कहना चाहेंगे अब बाढ़ पीड़ितों को राशन वितरण किया जाए? देखो इतनी बड़ी आपदा दिल्ली शहर पूरे देश के साथ झेल रहा है और बाकी प्रदेशों में हमको देखने को मिला, लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। हमारे गंगा का जो ये जमुना जी का जो किनारा है, हजारों की तादाद में गरीब मजदूर यहाँ पे रहते हैं, जो छोटी छोटी नौकरी खेती बाड़ी छोटे छोटे रोजगार यहाँ पे करते हैं, उनके लिए लगातार कई वर्षों से यहाँ बाढ़ क्षेत्रीय घोषित किया हुआ, बाढ़ आती है हर वर्ष, लेकिन उनके लिए कोई सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए जाते। इस बीच हमने देखा है कि दिल्ली सरकार खास तौर पर वो नारे तो बहुत बड़े बड़े देती है, लेकिन उसे इस क्षेत्र के लिए जब से यहाँ बाढ़ आई है उनके लिए सिवाय खाना देने से काम नहीं होगा।
बल्कि हमारी ये मांग है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मांग है कि इनके लिए व्यवस्थापित तरीके से कोई ऐसे इंतजाम किए जाए तो हर साल ये आपदा का नुकसान इनको न झेलना पड़े। ये बेचारे दूर दराज गाँव उत्तर प्रदेश बिहार से आकर के यहाँ बसते हैं, छोटी छोटी नौकरियां करा के अपने सामान जोड़ते हैं और साल के अंत में जब जून जुलाई में बाढ़ आती है इनका सारा सामान खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, दोबारा से इनको सामान जोड़ना पड़ता है। अगर बात किया जाए अरविंद केजरीवाल के साथ पे दावा है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन तमाम सामग्रियां उनके द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन आपका आरोप है कि वो कुछ नहीं करे, क्या नहीं? देखिए ये राहत सामग्री ये फौरी तौर का इंतजाम है, कहीं पे बाढ़ आई कुछ है आपने लोगों को सामान पकड़ाया जब तक वो है उसके बाद, लेकिन उसके पीछे की जिंदगी क्या है आप वो देखें कि वो लोग एक तिनका तिनका करके अपना घर बसाया, उन्होंने अपनी झुग्गी बनाई, झोपड़ी बनाई, उसमें टीवी भी रखा, चारपाई भी रखी, बिस्तर रखे, खाने पीने की सामान भी रखी, लेकिन उसका क्या, वो तो सारा बह गया, आज उनके पास कुछ नहीं है, फिर सड़क में खड़े हैं। उनके लिए एक पक्का इंतजाम लगातार यहाँ पे किया जाना चाहिए, जैसे कई राज्यों में हम लोगों ने देखा है गंगा के किनारे या नदियों के किनारे जो गांव बसते हैं उनके लिए परमानेंट इंतजाम किए जाते हैं। ये दिल्ली सरकार को चाहिए कि वो केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों इसके लिए दोषी हैं कि इनको जब मालूम है कि हर वर्ष यहाँ बाढ़ आती है तो इसके इंतजाम किए जाना चाहिए और इनके लिए पुस्ते में या सड़क के ऊपर या कहीं ऐसा स्थान एक विशेष बनाया जाना चाहिए जहाँ इनको रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए, अन्यथा ये तो हर वर्ष बाढ़ आएगी करोड़ों रुपए का इनको नुकसान होगा, सरकार को भी नुकसान होगा, जनता को भी नुकसान होगा, सरकार अपने कुकर्मों को लगातार राहत सामग्री बांट बांट कर छिपाती रहेगी लेकिन इनका सलूशन कभी निकलेगा नहीं। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार खासतौर पर केजरीवाल सरकार से हमारी प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द इसका फौरी इंतजाम नहीं बल्कि एक परमानेंट सलूशन निकालने का कार्य करें। बाढ़ पीड़ितों को कांग्रेस द्वारा राशन वितरण किया जा रहा है, लोगों को भोजन दिया जा रहा है, बात किया जाए पर्वतीशील कांग्रेस के गोपाल रावत के नेतृत्व में यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं जो मौजूद हैं, बाढ़ पीड़ितों को यहाँ पे राशन वितरण कर रहे हैं और साफ तौर पर इनका यही कहना है कि हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे, जब तक अगर इनको मुश्किलें आएंगी तब तक कांग्रेस इनके साथ खड़ी रहेगी। अनिल तिवारी, टीवी 100 दिल्ली।